गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन 4 इन पैरेललोग्राम एबीसीडी सो दैट एंगल एबीडी इज इक्वल टू एंगल सीडीबी। देखो ये एंगल और ये एंगल हमें निकालने हैं, इससे पहले हम इस दो ट्रायंगलों को एबीडी और सीडीबी को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें इनकी तीन तीन चीजें जो है इक्वल करनी है। तो चलो सॉल्यूशन करते हैं। देखो सॉल्यूशन इसमें करेंगे क्या, हम हमें दे क्या रखा है, देखो पैरेललोग्राम दे रखा है, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो हमने लिख दिया है ये ए बी इज इक्वल टू सी डी। ए बी इज इक्वल टू सी डी इक्वल आ गई, कहां से आई, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। मैंने इसको पैरेललोग्राम को शॉर्ट में ऐसे लिख दिया पैरेललोग्राम, ये देखो इसको पैरेललोग्राम ऐसे लिखते हैं। इसी तरह से देखो एडी, ये दे रखी है एडी, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, ये देखो बीसी, और इसका भी वही रीजन है, सेम रीजन है इसका भी, जो ये रीजन अबव है। और यहां पर जो है देखो ये बीडी कॉमन है, बीडी इज इक्वल टू बीडी, ये कॉमन साइड हो गई कॉमन, ठीक है। अब हमारे पास देखो इस ट्राइंगल की ए बी डी की और सी डी बी की जो है दो तीन साइडें इक्वल होगी, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देयरफोर ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल, ए बी डी ये हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल, किस ट्राइंगल के, सी डी बी, और हो जाएगा बाई एस कॉन्ग्रुएंस। इससे जो है ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम इन दोनों एंगल को इक्वल कर सकते हैं। कैसे इक्वल कर सकते हैं, ए बी और डी, ए बी डी इज इक्वल टू क्या कर देंगे हम, सी डी बी, और ये इक्वल कहां से है, बाई सीपी सीटी का मैं मतलब इसका मीनिंग बता चुका हूं, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये तब लिखते हैं जब हम पहले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद हम ट्राइंगल के अंदर की जो साइड्स और एंगल हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, उनको इक्वल कर सकते हैं। उसी चीज के लिए हम सीपीसीटी लिखते हैं, इसका मतलब ही वही है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने प्रूव कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन फिगर, ये जो फिगर दे रखा हमारे पास, ये देखो डीसी परपेंडिकुलर टू एसी, परपेंडिकुलर मतलब ये लाइन इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, इसका मतलब परपेंडिकुलर होता है इस सिंबल का मतलब, और सिमिलरली डी बी परपेंडिकुलर टू ए बी, दो परपेंडिकुलर है, एक परपेंडिकुलर इस पर ये वाली है, इसको देखो ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का ये सिंबल होता है 90 डिग्री, यहां से 90 परपेंडिकुलर यहां, और यहां से परपेंडिकुलर इस पर है, दो परपेंडिकुलर हो गए। और साथ में ये भी दे रखा है कि ए सी इज इक्वल टू ए बी, देखो एसी इज इक्वल टू, ये एसी है और ये ए बी है, ये दोनों इक्वल दे रखे हैं। और ये भी दे रखा है कि एंगल एडी, देखो ये एडी वाली लाइन है, ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये दोनों, ये एंगल आधा आधा हो रहा है, ये पूरा एंगल क्या हो रहा है, बाइसेक्ट, मतलब मैं अगर इसको, इस एंगल को बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या हो गए, आधे आधे हो गए। तो ये सारी चीजें इसमें दे रखी है। और लास्ट में हमें क्या प्रूव करना है, इसमें डीसी, देखो डी सी ये वाली लाइन जो परपेंडिकुलर डाली है वो वाली, और डी बी, ये हमने इक्वल प्रूव करके दिखानी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इनको कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। सॉल्यूशन करते हैं, देखो सॉल्यूशन में हम क्या लिखते हैं, देखो ये देखो सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले इसमें जो हमें गिवन साइड है वही लिख लेते हैं हम, देखो एसी हमें दे रखा है, एसी इज इक्वल टू ए बी,
तो अगर ऐसा है तो इसको हम गिवन लिख लेते हैं ब्रैकेट में, इट इज गिवन, ठीक है। और दूसरा जो है और गिवन हमें क्या है, ये देखो एक तो ये परपेंडिकुलर डाल दिया इसमें यहां से इस पर, तो इसका मतलब एंगल सी कितने का हो जाएगा, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी और इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये इस पर परपेंडिकुलर है, दोनों के दोनों परपेंडिकुलर है इसलिए, ठीक है। दूसरी बात है एंगल, देखो कौन सा एंगल, ये ए एंगल जो है डिवाइड हो चुका है इससे इक्वल पार्ट्स में, इस एडी ने इस एंगल को, तो हम क्या लिख सकते हैं सी ए डी, एंगल कौन सा, देखो एंगल सी ए डी, सी ए डी इज इक्वल टू, देखो सी ए डी इज इक्वल टू बी ए डी, ये हो जाएगा एंगल बी ए डी। क्यों ऐसे, ए डी इज बाई सेक्टर, ए डी इज बाई सेक्टर, किसकी बाई सेक्टर है, बाई सेक्टर ऑफ एंगल ए, ए डी इज बाई सेक्टर ऑफ एंगल ए, इसलिए जो है ये दोनों एंगल, ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल हो गए। तो अब हमें इस फिगर में तीन चीजें इक्वल हो गई हैं, तो अब हम इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। देयरफोर ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल हो जाएगा ए सी डी, हो जाएगा ट्राइंगल ए सी डी, देखो ए सी डी और ए बी डी दोनों क्या हो जाएंगे, ए ट्राइंगल ए बी डी, ये क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, लेकिन कॉन्ग्रुएंट किससे हुए, बाई ए एस ए, एंगल दो है, देखो दो एंगल है, एक ये एंगल और एक 90 वाला है, तो ये क्या हो गए, इक्वल हो चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, इसलिए सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमें जो प्रूफ करना है डी सी इज इक्वल टू, डी सी इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, डी बी, डी बी, और ये किस वजह से हुई, बाई सी पी सी टी, तो सी पी सी टी से ये और ये इक्वल हो गए, तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।